अमरूद जितना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, इसकी खेती कमाई के लिहाज से उतनी ही मुनाफादायक होती है। अमरूद की खेती किसी भी उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। इसमें सबसे अच्छा क्या है कि आपको अच्छे वैरायटी के अमरूद देनी है, जिससे कि आपको सही दाम मिल पाए। अच्छा वैरायटी मतलब इलाहाबाद सफ़ेदा आप लोग जानते होंगे, और दूसरा है कि लखनऊ G49, और अभी सबसे अच्छा तो चल रहा है ताइवान, जो कि एक 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 अमरूद लगभग जो है 250-300 ग्राम का आ रहा है। ये ताइवान बेसिकली ताइवान से है, लेकिन अभी जो है इंडिया में हमारे यहाँ रायपुर में इसका रिसर्च किया गया है, और उसके आधार पर रिसर्च के बेस पे सारे अभी देश में लगाया जा रहा है। और झारखंड में जो कि अमरूद में, जैसे हमारा जो खास करके चाईबासा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अमरूद का जो दाम है ताइवान, जैसे देसी अमरूद जो रहता है ना छोटा छोटा, उसका सही दाम नहीं मिल पाता है। लेकिन जब हमको ऑर्चार्ड लगाना है तो उसमें क्या है, आपको 3 साल के बाद आपका फ्रूटिंग शुरू हो जाएगा, तो ये सब फ्रूट, और हमको कम से कम 20 से 25 साल तक हमको फल मिलेगा। और उसमें क्या करना है कि किसानों को जो 15 फीट की दूरी हम बताएं, पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट है, तो इस तरह जब 325 पौधा लगाएंगे, 325 पौधा 1 हेक्टेयर में लगाएंगे, तो उनके पास इंटर स्पेस जो पौधे के बीच में दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा बचा रहता है। जब तक फल आने में 3 साल लगेगा, तब तक उनका बैठा नहीं रहना चाहिए, उस समय में वो भी वो इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। मतलब पौधे से पौधे के बीच में जितना भी जगह बचा हुआ है उसमें वो ऐसा पौधा लगाएं जो कि शेड को लविंग पौधा होता है, जैसे कि हल्दी है, और ये है हल्दी है, अदरक है, ओल है, इस सब की खेती उसमें लगा के कर सकते हैं। जैसे कि जो अमरूद के पौधे अगर हमारे किसान भाई लगा दिए हैं, तो उसके बाद जैसे सिंचाई वगैरह कब दें और खाद कब देना उचित होगा, ताकि पौधे जो है वो कब तक फलदार के रूप में विकसित हो जाए और अच्छा फलन दे। हाँ, पौधा में उसमें जो है कम से कम साल में 2 बार उनको खाद देना है। 2 बार क्या करना है, पौधा जो है उसके बगल में उनको थाला बना लेना है, चारों बगल गड्ढा करके एक एक मतलब आधा आधा फीट का करके उसमें गोबर का खाद सड़ा हुआ डाल के हर साल उसको 2 बार कंपोस्टिंग करना है, और उसमें पानी अच्छा से डालना है। 2 बार वो करेंगे देखा और उसका रख रखाव ठीक से करेंगे तो वो निश्चित ही 2 बार में वो काफ़ी अच्छा फल देता है। और जो है इसमें करंज की खल्ली तो हम लोग पहले भी डालते हैं, बाद में भी थोड़ा डाल देंगे कि जब भी हमको डर लगे कि कोई कीड़ा उड़ा ना आए, तो इससे क्या होगा आपका शुद्ध ऑर्गेनिक भी तैयार हो रहा है ना, कोई भी कीटनाशक हम जल्दी ना डाल के ये बायोफर्ट इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमको क्या होगा, 2 बार करने से और 2 ही बार काफ़ी है, जिससे कि हमारा फल काफ़ी अच्छा आएगा। और 3 साल के अंदर अभी तो सारा हाइब्रिड क्वालिटी आ रहा है, तो ये सब में 3 साल से ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3 साल में हमारा काफ़ी अच्छा जो है फल आने लगता है। और लगभग किसान जितना साइज का लगाएंगे उस हिसाब 1 हेक्टेयर में 3 से 4 लाख तो आराम से वो कमा सकते हैं।